तो वेलकम बैक अगेन दोस्तों, तरीताल डाट में पहुंच चुके हैं और यहां पर अभी तूफान उठाने वाले डब्बू भाई, क्योंकि इसने मुझे फिर से बुलाया। कह रहा था कि दुकान दे आऊँगा तुझे मैं डोली में, मगर मैं डोली में बैठने वाला था नहीं, क्योंकि इधर साइड में जो देखा आपने, इधर साइड में जो आज रस है ना भाई, बहुत सुंदर है, क्योंकि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड में भाई रूम मिलना बहुत टफ है आज। और तुम्हें आज का ट्रैफिक प्लस क्राउड, मैं बीच चौराहे पे खड़ा हूँ और तुम ट्रैफिक देख सकते हो भाई, ट्रैफिक चारों ओर से जितना भरा पड़ा है। और सामने यहाँ पर आई लव नैनीताल का, जहाँ पर बोर्ड हुआ करता था पहले, ये टाटा सुमो वाले ने रोक रखा मुझे, बट हम पीछे जाएंगे, अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है, अगर आई लव नैनीताल लिखा होता तो और ज़्यादा क्राउडेड होता, बट स्टिल अब हम गोइंग टू माल रोड और एक वॉक मार के आते हैं और आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे आज नैनीताल के बारे में जो आपको आने वाले जो वीकेंड है उसमें बहुत ज़्यादा सुविधा यानी कि हेल्प करेगी। भैया दोस्तों पहुँचे हैं ये बोर्ड स्टैंड के पास और बोर्ड स्टैंड में तो आज कतई ज़्यादा भीड़ है भाई, कहते हैं ना कतई जहर, उसी टाइप की भीड़ है भाई। और देखो सामने कितना ज़्यादा क्राउडेड है, ताल में देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, देखने को मिलेगी तुम्हें यहीं। और जो भी सबसे पहले आता है ना नैनीताल, सबसे पहले पहुँचता है डांट पर, और डांट पर पहुँचने के बाद सबसे पहले जो बोर्ड स्टैंड पड़ता है यहाँ पर पड़ता है, ये सबसे पहला बोर्ड स्टैंड कह सकते हो। और मलिताल से आता तो मलिताल वाला बोर्ड स्टैंड पहले पड़ेगा, क्यों सुखताल होते। और टोटल मिला के मेरे को काउंटिंग तो नहीं है, एक दिन मैं तुम्हें बोर्ड स्टैंड के बारे में भी बता दूंगा जो यहाँ से बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, काउंटिंग करके एक एक करके आपको ले जाऊँगा, उसमें एक ही बार में एक पूरी सीरीज़ बन जाएगी उसकी। एक्चुअली जो आज का मेन थीम है ना यहाँ पर का भाई, बहुत ज़्यादा रस है। और अभी इसे देखो होटल से पूरे के पूरे पैक्ड है, तो संडे तक का तो तुम मान सकते हो कितने ज़्यादा पैक्ड होंगे, क्योंकि यार वीकेंड में नैनीताल में सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाला है, क्योंकि यार अभी ये कल फोर्थ सैटरडे हो जाता है और फोर्थ सैटरडे तुम्हें पता ही है। तो अगर आने वाले जो यात्री हैं यानी कि टूरिस्ट, वो करीब भाई प्री बुकिंग करा के जरूर आना, क्योंकि यार यहाँ पर होटल मिलना इम्पॉसिबल है, खाली रोड में रहना पड़ेगा, उसके लिए बहुत दिक्कत होगी तुम्हें यार। और ऊपर से अगर तुम्हें कभी भी यहाँ पर गाड़ी की सुविधा पड़ती है तो नैनीताल में ही बाइक पार्किंग है, वहाँ से बाइक में भी जा सकते हो। और गाड़ी वालों के लिए तो आज मुश्किल ही होगा, क्योंकि गाड़ी में ऐसा सीन है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहेगा, आई कांट एक्सप्रेस यार, मैं बता ही नहीं सकता और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो स्टिल मैं माल रोड में चल रहा हूँ और चलते चलते मुझे एक चीज़ की याद आई यार, आज जो है मेरा साथ वाला है मिस्टर गोपाल, उसने बताया कि पूरे के पूरे होटल से भूले यार भाई। और अब एक नई सुविधाजनक बातें भी बताना चाहता हूँ मैं तुमको, जो सुविधाजनक बात यह है कि आने वाले टाइम पे यानी कि नेक्स्ट मंथ भी कह सकते हो, अब नियरेस्ट ही है नेक्स्ट मंथ, तो उसमें सीन ये है कि जो नैनीताल से करीबन 4 किलोमीटर दूर है, उसमें लाइट पर पड़ रही थी क्या, तो उसमें सीन ये है कि बाहर से एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें सारे होटल्स यानी होटल्स जितने नैनीताल में अवेलेबल होंगे उनके नेम्स प्लस और वहाँ के जो नंबर्स होते हैं उसमें पुट कर दिए जाएंगे। और पुट करने के बाद तुम उस नंबर पे आके कॉल कर सकते हो अगर बोर्ड देख लिया तो आपने, और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि नैनीताल में होटल्स अवेलेबल है कि नहीं है, मगर वो बोर्ड देखना जरूरी है। एक तो लगने वाला है रूसी बाईपास पे, दूसरा लगने वाला है पाइंस के पास, और तीसरा आपको मिल जाएगा पीछे बारह पत्थर के पास। सो बारह पत्थर भी नहीं जा सकते नारायण नगर, ये चीज़ आप कर सकते हो। और अगर देखने के बाद तुम्हें पता चल जाए तो तब नैनीताल के अंदर आप एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज एक चीज़ और कर सकते हो, दिन में घूमिए, शाम के टाइम में वापस चले जाइए, और लोकल में या आउटर जितना भी हो सकता है वहाँ रुकिए, क्योंकि उस चीज़ का तुम्हें एक बेनिफिट मिलेगा कि ट्रैफिक से बच जाओगे आप लोग, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर है। दिक्कत ये है ना साहब कि अगर तुमने फिर शाम का माल रोड का वॉक किया नहीं गया वो तो आपका वेस्ट ही है ना, नैनीताल आया और माल रोड का वॉक नहीं किया रात्रि का तो वो बेकार है, बट हाँ दिन में घूम लिए वो बेटर है, क्योंकि दिन में तो गर्मी से राहत भरी सांसें मिल जाएंगी ना आपको। सो स्टिल अब मैं माल रोड के अंदर प्रवेश करने वाला हूँ और यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, लिटरली मैंने देखा ना भाई अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो भी आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ है तो मान लो सैटरडे संडे ऑलमोस्ट कितनी ज़्यादा भीड़ है। एवरी डे हेयर चलान में चलान, कल भी यही सीरीज चल रही थी चलानों की, आज भी यही है भाई। देखो अभी इन लोगों का चलान कट चुका है, अब ये देखो सामने मर्सिडीज है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, नहीं XUV500 700 वाले का भी चलान, क्योंकि ये इसने माल रोड में ना गाड़ी खड़ी करी होगी, तो अंकल ये देखो मैडम तो रोज चलान काट रही है। तो दोस्तों अगर आते हो तो माल रोड के अंदर गाड़ी खड़ी मत करें, क्योंकि 6 बजे के बाद जो है माल रोड बंद हो जाती है, अगर करते हुए तो पार्किंग वहाँ पर ही तक रखना, उससे बाहर मत निकालना, हो सके तो 8 बजे या 9 बजे ना, वैसे तो 9 बजे ही है, 9 बजे के बाद भी बाहर निकलना, नहीं तो अदरवाइज तुम्हें चलान काटने में मजबूर होना पड़ेगा मैडम को, तुम्हारा चलान पक्का पक्का कटेगा। और इन्होंने तो यार टू टू किया निकाल के बड़ा दुविधा। दोस्तों तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरा फेवरेट प्लेस में पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मुझे गोल्डन आवर देखने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा भाई, आज मैं फिर मिस कर गया हूँ। बादल आ रहे हैं आज, तो बादल थे ही नहीं दिन भर थे, रात को कहाँ थे, रात को भी होने चाहिए ना बादल देखने का मन है भाई। सो देखते तब तक का दोस्तों यहाँ पर अब हम खड़े होने के सामने हैं, खड़े होने के सामने नहीं मतलब खड़े होने वाले हैं अलका के सामने। चलो आज आपकी एक फोटो खींची जाएगी, चलिए साहब चलिए।
फोटो खिंचवा ली, कह रहा था फोटो खिंचवाता हूँ, भाई ने फोटो खिंचवा ली, अब क्या करेगा। अबे इतने टाइम बाद फोटो ऐसा भी चलता है, ये नहीं चल पा दोस्तों, ये नहीं चलो। तो दोस्तों यार मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इतना ज़्यादा रसद पूरा मंचल जाया जाए या अपने वो बेस्ट पॉइंट में से वापस आ जाए, जो रोटरी पॉइंट है ना जहाँ हम बैठते हैं वहाँ से वापस। तुम बताओ क्या कहना चाहोगे? वहीं से वापस इनकी बात मानिए आ जाओ। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अथमताल पे, यानी कि लाइब्रेरी से थोड़ा पीछे पीछे ही है, और अपने इस जो हमारे बेस्ट प्लेसेस में से एक प्लेसेस है उससे थोड़ा सा पीछे ही है। बट आज मुझको जो रेडियो के बारे में पता चला ना, आज वेरी कॉस्टली यार, जो नॉर्मल से नॉर्मल होटल भी होते हैं वो लगभग 3,500 रुपये के लगे हैं यार, और 4,000 भाई। और मेरे पास आज काफ़ी कॉल भी आए तो उस वजह से मैंने पता भी करा, तो यार मेरे को रेडियो का आज पता चला कि नैनीताल में इतने महंगे होटल भी लग सकते थे, वो भी सीजन टाइम में। तो यार मेरे प्यारे दोस्तों जो भी देख रहा है मेरा ब्लॉग, या कृपया करके ना थोड़ा सा सचेत होकर आना और पहले ही पता करके आना, और सामने आप बोटिंग मजे लो तब तक का। गोल्डन आवर तो मैं देखूंगा नहीं, मगर बोटिंग आज बहुत अच्छी हो रही है यार। मेरा भी मन है कि आज मैं बोटिंग करूं, बट इसकी वजह से मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि हमें जाना ही नियरेस्ट है। यार मुझे भीड़ देखने को नहीं मिल रही, मगर हाँ मणिताल वाला जो रोटेट पॉइंट होगा ना उसमें पक्का देखने को मिलेगी, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फड़ पे विजिट करा होगा, फड़ पे। और मेरा मन नहीं है फड़ में जाने का, क्योंकि आज मुझे पता ना पाँव रखने को जगह नहीं मिल सकती उधर। सो स्टिल गोइंग दे आर जुबीज किशन के पास तक, मैं भी हो सकता है क्या पता वो गाने वाले चचा को भी देख के आऊँ मैं, बट जाएंगे जरूर आगे। देखिए ज्वेलरी की दुकान में आप ज़्यादा भीड़ है, और थोड़ा खाने पीने वाले उसमें ज़्यादा भीड़ रहती है, तो माल रोड में इस जगह में ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चीप एंड बेस्ट चीप और बेस्ट वाला फूड मिलता है और सस्ते प्राइस में भी मिलता है, यानी कि पैसे में चीप एंड बेस्ट है और टेस्ट में वेल एंड गुड सबसे बेस्ट है। सो और अन्नपूर्णा है वो थोड़ा शुद्ध शाकाहारी टाइप का भी है। सो यहाँ पर देखिए अभी तो कितने ज़्यादा रस है, तो मैं भी तुम्हें बीच में कभी जून के टाइम में आऊँगा तो और ज़्यादा दिखाऊंगा, क्योंकि उस टाइम तक अब बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है ना बाहर से, वैसे ऑलमोस्ट तो पड़ चुकी है, मगर इस बीच में यार भाई 47 चल रहा है, और अभी जो यहाँ पर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट यार मैंने अभी कैलकुलेट किया था कितना था भाई, 20 से 24 था ना, और मिनिमम जो जा रहा है वो 14 जा रहा है, 10 to 14। सो समझ सकते हो कि लोग यहाँ पे विजिटिंग के लिए क्यों आ रहे हैं बार बार। जुबिकेशन स्टिल फुल। सो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो शाम को ही जाना है घर को, मगर हमारा तो घर नज़दीकी है। सो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अभी आगे तक का वॉक करें, क्योंकि वही जो शाम के नज़ारे हैं ना वो बहुत खूबसूरत है, और मेरे घर में आज रात को जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मूव कर दिया वहाँ से, नहीं जा रहे हैं। जो चचा गाना गाते थे उनको भी नहीं देख पाऊंगा आज तो मैं। उनका गाना ना सुन के भाई मन मोह मोह के धागे हो जाते हैं, धागे धागों में मर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, धागे अलग अलग हो जाते हैं, टूट ही जाते हैं भैया। सो आगे की ओर जाते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो कुछ और दिखा देंगे, नहीं तो बाय बाय भी हो सकता है। वापस ही रोटेट पॉइंट में पहुँच चुका हूँ, देखिए यहाँ पर कैसी भीड़ मची पड़ी है यार, बच्चे अच्छे सब खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है भाई, एक्टिविटीज़ के साधन कोई नहीं छोड़ता भाई। बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है, मगर उनके साथ जो बड़ों का मन होता है ना वो और ज़्यादा मनमोहक होता है, क्योंकि यार जो बड़ों का दिल है वो बच्चा ही जैसा तो होता है। अब मेरा भी तो कुछ नहीं है, सो मैं सोच रहा हूँ घर की ओर वापस ही लिया जाए। सो हम मिलते हैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दिस इज रेडियो एंड विवेक, यानी कि इनका चैनल तो तुम्हें पता ही है डॉन्टे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए रियो लियो 93.04 या रियो ब्लॉगिंग से मैं भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और ऐसी वीडियो तुम्हें पता है मैं बार बार लेके ही आऊँगा, तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करिए और नोटिफिकेशन बार को ऑन कर लीजिए, क्योंकि करने से घंटी बजेगी और मेरे जो ब्लॉग्स हैं उसके अपडेट तुम्हें बार बार मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।